नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। आज हम एक देश में जो बहस का मुद्दा बना हुआ है, ओपीएस, एनपीएस और एक और नई चीज सरकार लेके आई है, यूपीएस, इन तीनों में जो एक आज कर्मचारियों के अंदर बहस का सवाल है और देश की बहुत बड़ी आबादी है जो इस सवाल से जुड़ी हुई है और उसका जीवन इससे जुड़ा हुआ है, इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। ये बहस में क्या है, क्योंकि जो अगर हम पुरानी पेंशन स्कीम थी जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का बिना कोई भुगतान अंशदान दिए उनको अपने आखिरी वेतन का 50% मिलता था, फिर सरकार मार्केट आधारित एक पेंशन स्कीम एनपीएस लेके आई, उसके खिलाफ कर्मचारी लगातार सड़कों पर रहे, लगातार आंदोलन किए और कई बार सरकारों को झटका भी दिया और कई चुनावी मुद्दे भी बने कई राज्यों में, और इसका नतीजा खासकर केंद्र शासित बीजेपी के खिलाफ रहा। इसके अलावा सरकार अभी सरकार ने जो चुनाव परिणाम के बाद बीच का रास्ता निकाला है यूपीएस, जिसमें सरकार ने घोषणा करी है जो 25 साल तक काम जो नौकरी में सरकारी नौकरी में रहेंगे उसको वो एक साल का एवरेज वेतन जितना होगा उसका आधा वो देगी। इसके अलावा सरकार इसके अंदर जो 10 साल तक नौकरी करेंगे उसको 10,000 रुपये गारंटीकृत पेंशन देने की बात कही है। इन सवालों के अलावा जो कर्मचारी आंदोलन की बहुत लंबे समय से मांग रही थी वो आज भी बरकरार है। सरकार ने जरूर इसमें अपना अंशदान 4% बढ़ा के 18.5% कर दिया है, जो कि पहले 14.5% होता था, लेकिन कर्मचारियों की डिमांड थी जो ये अंशदान पेंशन ना हो, पूर्णतः सरकार कर्मचारियों को उनकी सर्विस के बाद उनको पेंशन दी जाए, तो आज भी कर्मचारियों को अंशदान अपना 10% का जारी रहेगा। दूसरा जो FRDA एक्ट है जिसके तहत ये पूरा रेगुलेट हो रहा है वो आज भी बरकरार है, कर्मचारियों की उसकी मांग इसको रद्द कर दिया जाए और सरकारी पेंशन आम जन को मिले। तो देश भर में और दुनिया में जहाँ एक यूनिवर्सल पेंशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें हर आदमी को एक उम्र के बाद आज सम्मान से जीने के लिए एक पेंशन मिले, वहाँ आज भी हिंदुस्तान में बहुत एक छोटा तबका है जो सरकारी कर्मचारियों को जो इस पेंशन का लाभ ले रहा है, तो और उनमें भी पेंशन में लगातार कटौती हो रही है, कर्मचारी आज भी नाखुश है और उनकी क्या समस्याएं हैं इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लामा जी। सुभाष जी, न्यूज़ क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही, जो ये UPA जो सरकार लेके आई है उसको लेकर आप लोगों का क्या सोचना है और उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो हम दर्शकों को आपके मार्फत से बताना चाहते हैं कि देश के कर्मचारियों की मांग PFRDA एक्ट को रद्द करके पुरानी पेंशन बहाली की थी, लेकिन सरकार ने अपने तरीके से बगैर कर्मचारियों की इच्छा के उनकी कोई मांग नहीं थी। जैसे किसानों ने 3 कृषि कानून नहीं मांगे थे, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती उनको दिए जिसका विरोध हुआ, ऐसे ही कर्मचारियों ने ये UPS की मांग नहीं की थी, PFRDA एक्ट रद्द करके NPS को खत्म करने की मांग की थी और पुरानी पेंशन बहाली की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अपने तरीके से एक नए तरीके की एक पेंशन और लागू कर दी। अब OPS होगी, NPS होगी और UPS होगी, और सरकार कह रही है कि NPS और UPS में से जो भी चुनना चाहे वो चुन सकते हैं। तो ये तो वो वाली बात होगी कि किसी को सजा देनी है तो उसकी सजा के 2 प्रोविजन डाल दिए, या तो आजीवन कारावास है या फांसी की सजा है, तो दोनों में से एक सुनना है तो वो तो दोनों के दोनों ही मतलब गलत है। तो इसलिए अगर ऑप्शन सरकार को देना है तो OPS, NPS, UPS इन तीनों में से ऑप्शन दें, जो कर्मचारी चुनना चाहेंगे चुन लेंगे। तो ये बात अगर होती तो ठीक रहता, ये जो UPS है इससे कर्मचारी खुश नहीं है, खुशी का सवाल नहीं है, ये मांग ही नहीं थी, तो इस पे कर्मचारी इससे खुश नहीं है। जहां तक रही इसकी खामियों की बात, इस पे हम ये कह सकते हैं कि UPS ये कोई नई बात नहीं है, आप लगातार फॉलो कर रहे हैं, पिछले साल जो आंध्र प्रदेश की सरकार थी जी। वो एक और स्कीम लेकर के आई, GPS गारंटेड पेंशन स्कीम, इन्होंने उसका नाम बदल करके अपने नाम से UPS कर दिया। अब आप देखेंगे, पहले तो मैं आपको ये NPS और UPS का अंतर थोड़ा सा
कर देते हैं आपके दर्शकों के हिसाब से समझ में आए, क्योंकि सरकार और जो सरकार के भोंपू हैं वो बड़ी प्रचार कर रहे हैं कि ये जी यूपीएस बहुत अच्छी है, लेकिन ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित, चाहे एसटीएफआई है, चाहे कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स हैं, चाहे डिफेंस हैं, चाहे इंश्योरेंस वाले हैं, बहुत सारे मतलब लोग हैं जो इसके खिलाफत कर रहे हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे कि जैसे एनपीएस है, एनपीएस में इन्होंने क्या किया कि 10% मूल वेतन का कर्मचारी का वेतन कटेगा और 14% सरकार अपना शेयर उसमें डालेगी। ये 24% जो अमाउंट होगी रिटायरमेंट पर, ये जो टोटल अमाउंट होगा उसका 60% आपको कैश दे देंगे और 40% आपके इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में करेंगे। और ये इसकी इसकी में क्या है, इसमें वो जो 60% नगद मिलता था उसकी बजाय अब ये करेंगे कि जो आपका वेतन है, जैसे ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन करते हैं, 1/10 मान ले 50,000 किसी की सैलरी है तो 5,000 को 12 से आप 12.5 से गुणा कर दो तो लगभग 6 लाख रुपए करीब उसको रिटायरमेंट पर एक लमसम अमाउंट मिलेगी। और अगर वो एनपीएस में 60% था तो वो लगभग 50 लाख 60 लाख रुपए उसको मिलता था। तो ये अब क्या कर रहे हैं कि वो जो 50 60 लाख था उसको आप अगर बैंक में डालेंगे तो उतनी तो रिटर्न उसकी इंटरेस्ट ही आ जाएगा। ये कौन से एहसान कर रहे हैं, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस पेंशन, ये जो यूपीएस है, इसमें इन्होंने सरकार के अंशदान को बढ़ा दिया, साढ़े जी 18%, 18.5% कर दिया। 18% कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% एम्प्लाइज का शेयर होगा और 18.5% सरकार का शेयर होगा। और ये सारा किसके ऊपर छोड़ दिया, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको लागू कर ले। स्टेट गवर्नमेंट के पास तो आपको मालूम है वेतन देने के लिए, बुजुर्गों की पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। वो 18.5% अपना हिस्सा प्रत्येक कर्मचारी का 25 साल तक कैसे कर देंगे, ये संभव ही नहीं है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो एनपीएस, ये जो यूपीएस है, इसमें 25 साल सेटिस्फेक्टरी सर्विस करने के बाद में पूरे पेंशनरी बेनिफिट मिलेंगे। जी जबकि अगर आप देखेंगे एनपीएस में, ओपीएस में देखेंगे तो उसमें 20 साल है। अब यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, अक्सर उनमें हम देखते हैं कि 15 साल के बाद, 15 साल के लगभग आयु में रिटायरमेंट उनकी हो वी जाती आर है, एस ले लेते हो। वीआरएस लेते हैं, प्रमोशन नहीं होती है, वैसे ही उनकी मतलब उस तरीके है, लेकिन 25 साल नहीं होगी उनकी, बहुत कम लोग होंगे। दूसरा अगर हम देखते हैं ये जो आरक्षित श्रेणी के हमारे एम्प्लाइज हैं, अनुसूचित जाति हैं, ओबीसी हैं या विडोज हैं, हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो 47 ईयर है नौकरी लगने की उम्र। तो कोई 47 साल में लगेगा और 58 साल में रिटायर होगा तो उसकी कितनी लेंथ ऑफ सर्विस कितना हुआ, तो वो तो वैसे ही इसके पूरे पेंशनर बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो एक तो ये बड़ा सेक्शन उससे बाहर हो जाएगा, एक वो दूसरा सेक्शन उससे बाहर हो जाएगा। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर कर्मचारियों की इतनी नाराजगी है और इतना कुछ है, फिर ये सरकार लागू क्यों कर रही है, सरकार को तो लागू नहीं करनी चाहिए यूपीएस। सरकार को जो है इस देश के कर्मचारियों की चिंताएं नहीं है, उनके भविष्य की, उनके बुढ़ापे की चिंता नहीं है, उनको चिंता है कॉरपोरेट सेक्टर की। क्योंकि जो हमारा जीपीएफ कटता है, जीपीएफ, उस पैसे का इस्तेमाल सरकार डेवलपमेंट में खर्च कर सकती है, लेकिन ये जो 10% एम्प्लाइज का, 18.5% सरकार का, 28.5% पैसा ये प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, उनको ये पैसा चाहिए। हमारी मांग नहीं है ये कॉरपोरेट सेक्टर की डिमांड है कि सरकार का पैसा हमारे को चाहिए। तो सरकार को तो, सरकार तो उनकी चिंता उठा रही है, हमारी चिंता थोड़ी उठा रही है। सुभाष जी, जैसे आप
आप कह रहे हैं जो बहुत सारे सारे कर्मचारी इसके विरोध में है, कर्मचारियों की डिमांड नहीं है ये, लेकिन जिस दिन ये घोषणा हुई थी उस दिन मीडिया पर बहुत चर्चित तस्वीरें चलाई गई थी जिसमें सरकारी कर्मचारी यूनियंस के कई कद्दावर नेता जो कई सालों से यूनियन की राजनीति कर रहे हैं वो वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने इसको लेके प्रसन्नता भी दिखाई और सोशल मीडिया पर लिखा भी और बोला भी जो ये हमारी एक मांग थी जो गारंटीकृत पेंशन होनी चाहिए वो सरकार ने मान लिया, गारंटीकृत पेंशन दे रही है, और सैलरी का आधा जो तय होता था सर्विस के बाद वो भी दे रही है। इसके अलावा जो महंगाई भत्ता और जो डीए बढ़ा के देने की बात थी वो भी सरकार मान गई है। तो अगर आप ये कहना सब विरोध में है तो वो कर्मचारी यूनियन भी सरकार के समर्थन में तो है ही ना, आप किसी ने डिमांड नहीं करी, वो पूरा डेलीगेशन एक कर्मचारी यूनियन का वहां बैठा हुआ था। उस मीटिंग का जो जानकारी है वहां किसी की कोई डिस्कशन नहीं थी, वो तो एक तरफा संवाद था। मतलब कैबिनेट की अप्रूवल के बाद में फॉर इंफॉर्मेशन उन्होंने सूचना दे दी, वहां किसी को बोलने का कोई वहां मतलब है राइट? आप क्या समझते हो कि प्राइम मिनिस्टर के सामने कोई मतलब आर्गुमेंट्स कर सकता है? वो तो कैबिनेट की डिसीजन दे दी, फोटो शूट हो गए और वायरल हो गई और एक पब्लिसिटी मतलब स्टंट हो गया, इवेंट मैनेजमेंट जैसे सरकार करती है वो कर दिया। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से वो बातें निकल करके आई हैं, और अभी अभी तो उसका जो अप्रूव्ड ड्राफ्ट है अभी वो भी नहीं आया है, उसके आने से पता चलेगा। तो वो जो इसकी तारीफ कर रहे थे आज वो उसकी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा जब आता है छन छन करके जब रिपोर्ट आती है जब मालूम पड़ता है। अगर आप हम कंपैरिजन करें ओपीएस की और यूपीएस की, ओपीएस में कर्मचारी का कोई भी अंशदान नहीं कटता, नंबर एक, इसमें 10% कटेगा। अगर दूसरी बात हम करें सरकार का कंट्रीब्यूशन, उसमें कुछ नहीं है, यहाँ 18.5% है, उसमें 50% की गारंटी है। किसकी गारंटी है? अंतिम वेतन की, और इसमें गारंटी है 12 महीने के औसत वेतन की 50% की गारंटी। और इसमें जो ओपीएस है इसमें डियरेंस रिलीफ, महंगाई राहत, और ये बड़े शब्द जो है ना सरकार जो है ये अब तो एनडीए कह रहे हैं, पहले मोदी मोदी सरकार थी, अब एनडीए सरकार बोल रहे हैं ना जिसको, ये शब्दों का बड़ा जाल फेंकती है। अब उसमें क्या है, ये डियरेंस रिलीफ में, महंगाई राहत में, और ये जो महंगाई राहत बोल रहे हैं उसमें अंतर है, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, वो डियरेंस डीए जो है और वो जो डीआर है वो अलग है। ये जो रेट तय करते हैं महंगाई कितने परसेंट बढ़ी उस हिसाब से जो तय करते हैं। तीसरी बात इसमें ये भी है कि अगर पुरानी पेंशन ओपीएस है तो उसके अंदर मेडिकल फैसिलिटी भी है, 10 साल के बाद में पेंशन रिविजन होगा, उम्र के हिसाब से बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी, और जो पेंशन मिलेगी उसकी कैलकुलेशन करके 40% एडवांस ले सकते हैं रिटायरमेंट वाले दिन, जिससे वो कोई प्लान कर सकता है पेंशनर। तो यहाँ कोई इस तरीके से ना तो कम्यूटेशन है और ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना ही बढ़ोतरी के सवाल है, कोई सवाल नहीं है। फिर सवाल एक और भी है, मैं आपसे आपके मार्फत से दर्शकों को बता रहा हूँ कि अगर इतनी बढ़िया है ये एनपीएस और ओपीएस, तो फिर मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए क्यों नहीं ले लेते इसको? उनको भी लेनी चाहिए ना, एक उदाहरण सेट करना चाहिए। हमने तब भी बोला था जब स्वयं प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना पाप है और राज्य सरकार इस पाप को ना करें, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि दूसरे को तो कहते हैं कि बैंगन नहीं खाना चाहिए और खुद बैंगन मतलब खा रहे हैं। तो ये मतलब जिस तरीके की बातें ठीक नहीं है। दूसरा, अगर हम ये देखते हैं कि जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हिमाचल है, वहां का राजस्थान का 4200 करोड़ रुपए है एनपीएस में, छत्तीसगढ़ का 1900 करोड़ रुपए है, 1700 करोड़ रुपए झारखंड का है, ऐसे ही हिमाचल का है। उस पैसे को जो सरकार है वो उनको वापस रिटर्न नहीं कर रही, चाहे इंप्लाइज का चाहे गवर्नमेंट का शेयर है उसको वापस नहीं कर रही, तो वहां भी उनके लिए दिक्कतें पैदा कर रही है। तो अगर कर्मचारी के हित की अगर कोई बात करनी है तो निश्चित तौर से सरकार को इस यूपीएस को भी, मैं आपके चैनल के मार्फत से कह रहा हूं कि इस जैसे 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, ये यूपीएस भी वापस लेनी पड़ेगी। कर्मचारी सड़कों पर हैं, इसके विरोध में उतरे हुए हैं।
जी, जैसे आप प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था पुरानी पेंशन बहाली एक पाप होगा, और अभी हालांकि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट इस तरह से आए ना आए, लेकिन हिमाचल को लेके क्योंकि वहाँ आर्थिक संकट हुआ है, सैलरी देने में प्रॉब्लम हो रही है, इसको लेके बार बार सोशल मीडिया पे कहा जाता है देखो ओपीएस बहाल तो कर दी, घोषणा कर दी, लेकिन अब सैलरी देने का पैसा नहीं है, पेंशन कहाँ से आएगा। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने बोला जो ये ओपीएस के कारण नहीं हुआ, क्योंकि ओपीएस जिसको मिलनी है, जिसको देना है, वो 10 साल बाद वो आएगा, अभी तो पिछली सरकारों का ही वो आर्थिक बोझ है, जो उनकी गड़बड़ियां हैं जिसका बोझ हम झेल रहे हैं। तो अगर इस तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही, एग्जाम्पल दिखाने का, जो ओपीएस के कारण आर्थिक दिवाली अपन राज्यों में हो रहा है, तो क्या आप लोग इसको सही मानते हैं? ये पूरी तरीके से शरारतपूर्ण बयान है और सच्चाई से कोसों परे है। हिमाचल सरकार का जो 14% शेयर हर महीने एम्प्लाइज के मूल वेतन का जाता था, वो सरकार को बच गया है, वो डिपॉजिट नहीं कराना पड़ रहा, तो उसको सेविंग हो रही है। पेंशन तो देना पड़ेगा 15-20 साल के बाद, सेविंग स्टार्ट होगी आज से ही। अगर ये एनपीएस होते तो और दिवाला पिट जाता हिमाचल सरकार का। ऐसे राजस्थान की सरकार में बचत हो रही है, मतलब जितने जिन्होंने भी ओपीएस बहाल करी है उन सब की बचत हो रही है, लेकिन इनको तो उसके कॉर्पोरेट सेक्टर की चिंता है ना कि उनके उनके ऊपर दबाव है कि हमारी तो इन्वेस्टमेंट रुक गई यहां से, मतलब पैसा नहीं आ रहा तो हम क्या करें। तो इसका यहाँ और एक बात और भी है इसमें, मैं आपके मार्फत से कहना चाहता हूं कि ये जो केंद्र सरकार को राज्य सरकार का ये जो पैसे का आवंटन है, ये दोबारा से परिभाषित होना चाहिए, क्योंकि आजकल केंद्र सरकार के पास लगभग सारा टैक्स आता है। और हम देख रहे हैं, पिछले साल हमने देखा कि कुछ राज्य सरकार अपना शेयर लेने के लिए जंतर मंतर पर चीफ मिनिस्टर धरने पर बैठे हुए हैं, उनका खासकर अपना शेयर अपोजिशन की है, सरकारें। अपोजिशन की सरकार है। तो इसीलिए बोलते हैं डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार। अरे डबल इंजन, वो तो वहां की जनता ने देखना है ना कौन सी सरकार चुननी है। आप जनता की चुनी हुई सरकार को एक तरीके से अपमानित कर रहे हो उस जनता को कि डबल इंजन की सरकार नहीं बनाई इसलिए आर्थिक संकट झेलो। ये किसी के घर का पैसा थोड़ी है, ये जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो अलग अलग उसमें पैसा आया है, जीएसटी कलेक्शन हो रही है, उसका पैसा उनको स्टेट्स को मिल नहीं रहा है, तो इसलिए स्टेट की हालत खराब हो गई है, क्योंकि वो पेंशन और वो वेतन देने के लिए लाले पड़े हुए हैं, आप उनको पैसा दे नहीं रहे हैं। तो उसका कारण तो ये है, आप ओल्ड पेंशन को बदनाम करने के लिए, हमारी मांग को कमजोर करने के लिए इस तरीके से बात कर रहे हो। और ये कोई वैसे नहीं आया, ये यूपीएस भी पार्लियामेंट के चुनाव हुए, आपको मालूम है ये एक बड़ा इशू बना हुआ था, तो उसको लेकर के जो कर्मचारी हैं, जो पेंशन मतलब उनके परिजन है, उन्होंने मतलब इसके खिलाफ वोट किया है और उसी का परिणाम है। और इसके साथ ही अब जो 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जो आपका सवाल था हिमाचल के, इसके जम्मू कश्मीर के सवाल है, हरियाणा का सवाल है, महाराष्ट्र का सवाल है, जी, और वही 4 राज्यों में विधानसभा है, तो इसका असर कितना पड़ सकता है कर्मचारियों में, या क्योंकि इन्होंने बीच का रास्ता, नाराजगी कम करने के लिए तो रास्ता निकाला है ना, बीच का रास्ता, तो इसका असर पड़ेगा क्या उनके पक्ष में, सरकार के पक्ष में? उम्मीद है उनको। ये कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों को उम्मीद थी कि पार्लियामेंट के चुनाव के बाद इस एनडीए सरकार को कुछ सबक मिलेगा और वो जो कर्मचारी, करोड़ों कर्मचारी की मांग है, उसको करेंगे। लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया, मतलब वो जो ऐंठ है, वो जो अकड़ है, वो अब भी बरकरार है। इसलिए कर्मचारियों का गुस्सा भी लगातार बढ़ रहा है। और इन 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव परिणाम आएंगे उस दिन हम आपको सामने बातचीत कर सकते हैं। सर, आप उस राज्य से आ रहे हैं जहां हाल में ही चुनाव होना है, 5 अक्टूबर को वहां वोटिंग होनी है, चुनावी एक तरह से उद्घोषणा हो गई है, और जम्मू कश्मीर में भी हो गई है, वहां भी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, और हरियाणा में एक ठीक ठाक तबका जो है सरकारी नौकरियों में है, और बड़े बड़े आंदोलन एनपीएस के खिलाफ होते हुए दिखे थे, और यूपीएस के खिलाफ अभी उस तरह का आंदोलन हुए होंगे, लेकिन हमारी नजरों तक या उस पैमाने पर नहीं दिख रहा है, तो उसका असर खासकर हरियाणा विधान चुनावों में और कितना देख पा रहे हैं, और अगर जम्मू कश्मीर की भी आपके पास जानकारी हो तो वहां भी क्या स्थिति है कर्मचारियों के बीच में? सर, हमारे इन 4 राज्यों में मजबूत इकाइयां हैं ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन की, और चारों ही राज्यों में ये जो कर्मचारी हैं ये सड़कों पर हैं। अभी महाराष्ट्र का एम्प्लॉयज 29
से इंडिफिनिट स्ट्राइक पर जा रहा था, कुछ उनसे बातचीत हुई लेकिन मामला पैचअप नहीं हुआ है। इसी प्रकार से हरियाणा का कर्मचारी भी सड़कों पर है, वो बाई चांस है कि ओझल हो गया होगा आपकी नजर से और कुछ चुनाव थोड़ा सा पहले डिक्लेयर हो गया, लेकिन अभी उन्होंने बड़ा एक कन्वेंशन किया है कुरुक्षेत्र के अंदर, और उसके बाद मीटिंग करके पूरे प्रदेश में एक व्यापक कैंपेन चलाने का फैसला वहां किया है। कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं, और ऐसे ही महाराष्ट्र में बहुत मजबूत हमारी इकाई है, वो भी सड़कों पर है, झारखंड में भी सड़कों पर है। तो निश्चित तौर से ये जो मुद्दा है ये बहुत पॉपुलर मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इन चारों राज्य सरकारों को इसकी अनदेखी करना भारी पड़ेगा। हरियाणा में तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने अभी इस यूपीएस के बाद एक अनाउंसमेंट की है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ओपीएस को बहाल करेंगे। समय बताएगा कि वो इस पर क्या करेंगे, लेकिन उनकी एक अनाउंसमेंट उनकी तरफ से आई है। तो इन चारों राज्यों में ही इस मुद्दे का असर दिखाई देगा, और इतना ही नहीं है, ये मुद्दे के साथ साथ रेगुलाइजेशन का एक बड़ा मुद्दा है, ये जो प्राइवेटाइजेशन का एक बड़ा मुद्दा है, पोस्ट वैकेंट पड़ी है उनका एक बड़ा मुद्दा है। और यहां तक देखिए, अभी मैं परसों ही पढ़ रहा था कि लगभग पौने 2 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का कलेक्शन है अगस्त का, लेकिन कर्मचारियों का और पेंशनर का 18 महीने का जो DADR कोविड काल में रोका था, अब तक उसको बहाल नहीं किया है। 8 माह पे कमीशन का गठन नहीं किया है, जो पोस्ट खाली पड़ी है उनको रेगुलर भर्ती करने के बजाय हरियाणा में तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम बढ़ा दिया कच्ची भर्ती करने के लिए। तो इस तरीके से गुस्सा जो आक्रोश है कर्मचारियों में वो बरकरार है, बाकी बढ़ रहा है। किसी की यहाँ सुनवाई हरियाणा में तो हो नहीं रही, चाहे आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी है और मजदूर है, मतलब आंदोलन किए हैं लेकिन कोई बातचीत उनसे नहीं की है। सरकारी कर्मचारी हो, पिछले 5 साल में भाजपा सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। तो ये जो सारा जो गुस्सा है ये इकट्ठा हो रहा है, और निश्चित तौर से इन चुनाव में इसका प्रभाव दिखाई देगा। सर, जैसे आप अखिल भारतीय राष्ट्रीय कर्मचारियों का यूनियन चला रहे हैं, देश भर में आपको कोऑर्डिनेशन है, तो जिस तरह से हम एनपीएस के खिलाफ देशव्यापी कई बड़े आंदोलन देखे और राज्य स्तर पर भी हुए, तो उस तरह कोई बड़ा आंदोलन आप लोग तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग इससे नाखुश हैं, या आपके कर्मचारियों में भी एक विभाजन हुआ है यूपीएस आने के बाद? आप देखेंगे ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन और स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने 26 सितंबर को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वो आंदोलन की शुरुआत है। उसके बाद इन सारे इश्यूज को लेकर के, जिसमें प्रमुख इशू PFRDA एक्ट रद्द करके पुरानी पेंशन बहाली और EPS 95 को भी ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाने का सवाल है, और ये जो राजस्थान झारखंड हिमाचल और छत्तीसगढ़ का जो पैसा है वो वापस करें, और ये दो और मुद्दे हैं, इसको लेकर के 26 तारीख से हम आंदोलन पूरे देश में स्टार्ट कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ेगा। और सारे ही कर्मचारी, आप निकट भविष्य में देखेंगे केंद्र सरकारी कर्मचारी भी आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, बाकी डिफेंस वाले भी और इंश्योरेंस वाले भी, वो भी आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। आप नए साल में अगर आप देखेंगे शुरुआत में ही एक बड़े रूप में इस आंदोलन का मतलब देखेंगे। जी सर, शुक्रिया, आपने हमसे बात किया और सारे मुद्दों पर विस्तार से समझाने का कोशिश करी। जैसा कि आपने अभी सुभाष लांबा जी को सुना, उनके शब्दों में साफ दिख रहा है जो कहना बार बार कह भी रहे हैं और कहना भी चाह रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी जो है उसकी डिमांड आज भी ओपीएस है। सरकार ने दबाव में आके कुछ सुधार करने की कोशिश करी है जो कि उनके मुताबिक नाकाफी है। उसमें आज भी वो अंशदान आधारित जो पेंशन है उसको खत्म करके पूर्णतः सरकारी पेंशन की डिमांड कर रहे हैं, जिससे सरकार कर्मचारियों का कोई भी अंशदान उसमें ना रहे और सरकार कर्मचारियों को उसका पूरा पेंशन दिया जाए। और इसमें यूपीएस में जो शर्तें लगाई गई हैं, जो 10 साल से तक नौकरी करेगा उसको सिर्फ 10,000 की पेंशन, या फिर 25 साल की नौकरी के बाद ही आपको अपनी सैलरी का आधा पेंशन, इन सारे सवालों को लेकर भी कर्मचारियों में नाराजगी है। देश भर में आंदोलन शुरू हो रहे हैं और आगे और आंदोलन का विस्तार होगा, और जो इस मुद्दे से जुड़े या अन्य जो भी कर्मचारी से जुड़े आंदोलन होगा या इस आंदोलन के जो भी अपडेट होंगे, न्यूज़ क्लिक आपके बीच में लेकर आता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।